देखिए प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये आपकी टाइप ऑफ बजट सेकंड जो चैप्टर है उसका है, बस्टिंग सब्जेक्ट, बीकॉम थर्ड ईयर, आरबीडी बुक से। उसमें दिया है, नीचे दी गई सूचनाओं से विनीत और वितीन ब्रदर्स से संबंधित है। ठीक है, अब आपको इसमें इंफॉर्मेशन में सबसे पहले कॉस्ट लिखा हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये तीन हो गए। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखा है, फिक्स और वेरिएबल, और उसके नीचे दे रखा है प्रोडक्शन यूनिट। इसको बॉक्स में बंद कर लो, ये यूनिट है, बाकी सारी चीजें तो रुपए में चल रही थी। अब आपसे कहता है, उत्पादन प्रबंधक आगामी वर्ष में निम्न परिवर्तनों का अनुमान लगाता है, यानी फ्यूचर चेंज क्या होंगे। वो कहते हैं, प्रत्यक्ष सामग्री की औसत दर 4 रुपए प्रति इकाई से घटकर 3 रुपए प्रति इकाई हो जाएगी, 1 रुपए कम हो जाएगा। प्रत्यक्ष श्रम जो डायरेक्ट वेजेज है वो आपके 5 रुपए प्रति घंटा से घटकर यानी कम हो जाएगी, 4 रुपए हो जाएगी। और थर्ड, प्रत्यक्ष व्यय 1 रुपए प्रति इकाई से घटकर 2 रुपए प्रति व्यय इकाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 रुपए। ये माइनस होता है, यहाँ पे भी माइनस होके आया है। विक्रय पूर्वानुमानों में वृद्धि के कारण उत्पादन में 10% की वृद्धि हो जाएगी, तो प्रोडक्शन जो है वो 10% बढ़ जाएगा। तो 20,000 जो था ना ऊपर प्रोडक्शन यूनिट, उसमें प्लस 10% हो जाएगा। और अन्य व्यय अपरिवर्तित रहेंगे, बाकी में वो कहता है कोई चेंज नहीं होगा। आगे ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में वापस आ गया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीन के बारे में इसने कहा है। 10% वो कहता है आपके प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनचेंज, बाकी चेंज नहीं होंगे। अब बाकी चेंज नहीं होने का मतलब ये कभी भी नहीं है, आपको उत्पादन लागत बजट बनाना है, प्रिपेयर अ प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। तो आज जो बजट हम सीखने वाले हैं वो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक प्रोडक्शन कॉस्ट बजट का फॉर्मेट बनाएंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट का जो फॉर्मेट है उसमें एक पर्टिकुलर का कॉलम हो जाएगा। जो क्वेश्चन में दी हुई इंफॉर्मेशन है वो 20,000 यूनिट के लिए दे रखी है, प्रश्न में कहा था कि 10% बढ़ जाएगी, तो 20,000 में 10% जोड़ देंगे तो 22,000 हो जाएगा। 22,000 यूनिट के लिए आपने को प्रोडक्शन कॉस्ट बजट तैयार करना है, साथ में जो चेंजेस प्रश्न में कहे गए उनको फॉलो करते हुए लेना है। तो सबसे पहले आप नंबर 1 दे रखा था मटेरियल, तो वो लिखें। तो मटेरियल आपके दे रखा है, प्रश्न में कहा था कि जो पहले 4 रुपए पर यूनिट था ना वो अब आपके कितना हो जाएगा, 3 रुपए पर यूनिट हो जाएगा। तो 22,000 यूनिट आपको टोटल बनानी है, एट द रेट 3 रुपए से उसको लेना है, तो 66,000 रुपए इसके हो जाएंगे। उसके बाद मटेरियल के बाद में लेबर, लेबर में भी वो कहता है कि जो 5 रुपए थे वो 4 रुपए हो जाएंगे, तो वो आपके 22,000 को 4 से गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, 88,000। और उसके बाद में आपके नेक्स्ट आता है अदर एक्सपेंसेस, तो अदर एक्सपेंसेस, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें प्रश्न में क्या कहा है, 1 रुपए पर यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा, 2 रुपए हो जाएगा। तो पहले 1 रुपए था अब 2 रुपए हो जाएगा, तो लिखेंगे 22,000 एट द रेट 2, तो कितना हो जाएगा, 44,000। यहां तक का आप टोटल लगा लें, क्योंकि यहां तक की जो टोटल है वो प्राइम कॉस्ट कहलाती है, पीसी। कितना, 1,98,000। अब बाकी उसने कहा अनचेंज रहेंगे, तो उसके बाद में आपके प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखा है, तो देखिए प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड में 2 खर्चे हैं, फिक्स और 1 है वेरिएबल। तो फिक्स आपके दिया हुआ है 50,000,
तो फिक्स तो फिक्स ही रहता है, इसमें तो कोई चेंज आता ही नहीं है। अब वेरिएबल जो लिखा है प्रश्न में तो कहा था कोई चेंज नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चेंज नहीं है मतलब वैसे कोई चेंज नहीं है, 1 रुपए घटना बढ़ना नहीं है, लेकिन अनुपातिक बदलाव तो होगा, जिसको हम प्रोपोर्शनेट बोलते हैं। भाई जो वेरिएबल है इसका मतलब वेरिएबल तो वेरिएबल ही होता है। तो पहले कितना रुपए लग रहा था, ये 80,000 रुपए लग रहा था, ठीक है। उस समय आप 20,000 यूनिट बनाते थे, तो डिवाइड बाय 20,000, तो अब आप 22,000 बनाते हो, तो कितना लगेगा, 88,000। ये इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा, और कोई कॉस्ट है नहीं। तो यहां तक आपका सवाल समाप्त हो जाएगा, और यहां पे टोटल लगा लेंगे आप, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3,36,000, 36, 3,36,000, ये आपका आंसर आएगा। इतना ही सवाल है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लिखा है प्रेम प्रोडक्ट्स लिमिटेड की अग्र सूचनाओं से उत्पादन लागत बजट बनाइए। ये भी आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट में आपको जो सूचनाएं दे रखी है वो देखते हैं। सबसे पहले लिखा है प्रोडक्शन एस्टिमेशन, 12,000 यूनिट के लिए आपको बनाना है फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए। कॉस्ट पर यूनिट एट 50% लेवल ऑफ एक्टिविटी, यानी अभी जो दे रखा है वो 10,000 यूनिट के लिए दिया हुआ है, तो जो वॉट एवर इज गिवन वो आपके 10,000 यूनिट के लिए है। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस और प्रोडक्शन ओवरहेड में फिक्स और वेरिएबल दो है। टोटल कॉस्ट पर यूनिट 18 रुपये भी आ रही है। अन्य सूचनाएं इस प्रकार से है, फर्म की लागत में अगले वर्ष निम्न परिवर्तनों की संभावना है। श्रम 6 रुपये प्रति इकाई से बढ़कर 7 रुपये हो जाएगा, तो लेबर 1 रुपये बढ़ जाएगा। सामग्री, पहले देखो श्रम लिखा है और बाद में सामग्री लिखा है, मटेरियल 4 रुपये प्रति इकाई से घटकर 3 रुपये हो जाएगा, तो यहाँ 1 रुपये बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 रुपये घट रहा है। और श्रम के कारण उत्पादन कुशलता, प्रोडक्शन एफिशिएंसी बोलते हैं इसको, इज एंटिसिपेटेड टू डिक्रीज बाई 5%। तो यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि श्रम क्षमता या उत्पादन कुशलता कम हो जाएगी, तो उत्पादन कुशलता कम होने का पहला इंपैक्ट आता है कि आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, क्या हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट को बढ़ाना होता है, जब भी एफिशिएंसी कम हो तो कॉस्ट को बढ़ाना होता है, कॉस्ट बढ़ेगी, एफिशिएंसी की कमी होने से कॉस्ट बढ़ेगी, ये याद रखना, और अन्य खर्चे यथावत रहेंगे। अब आपका ये क्वेश्चन हो गया, अब आप इसे सॉल्व करेंगे। देखें प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन करते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है 4,12,000 यूनिट, तो दिया हुआ 10,000 के लिए था, बनाना 12,000 के लिए है। सबसे पहले नंबर वन आपका मटेरियल, तो मटेरियल आपके दिया हुआ है 4 रुपये दिया हुआ था, लेकिन वो कहता है कि 1 रुपये घटकर 3 रुपये पर यूनिट हो जाएगा, तो 12,000 एट द रेट 3, तो 36,000, 36,000 रुपये हो जाएगा। उसके बाद में आपके नंबर दो लेबर, डायरेक्ट लेबर, तो लेबर आपके दिया हुआ है बढ़ जाएगा 6 रुपये से 7 रुपये पर आर हो जाएगा, तो 12,000 इंटू कितना हो जाएगा, 7, कितना होता है, हाँ बेटा 84,000, अंदर की तरफ 84,000। अब आप वो ये कहते हैं कि एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी, तो एक्चुअल में नियम से तो 84,000 रुपये लगना चाहिए, लेकिन 5% एफिशिएंसी कम हो जाने से कॉस्ट बढ़ जाएगी, कितनी, 5%, तो इसको 105 तो ऊपर करना है और बट्टे 100 कर देना, तो कितना हो जाता है 88,200। तो जब कभी भी एफिशिएंसी की बात आए कि एफिशिएंसी 5% कम हो जाएगी, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्या 5% के लिए 105/100, 10% के लिए 110/100, जो भी संख्या आती है उसको ऐसे करना है। तो ये बस इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, मटेरियल, लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, तो
तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो जो था वो ही रह जाएगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 रुपए था, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस 12,000 यूनिट इंटू 1, 12,000, यहां तक आपके प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 1,36,200। पीसी हो गए प्राइम कॉस्ट। अब इसमें आप जोड़ेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड, तो उसमें आपके फिक्स, तो फिक्स आपके दिए हुए हैं 50,000, 5 रुपए पर यूनिट है ना, तो 5 × 10,000, ये भी स्टार है, चलते में गलती मत करना, 50,000, क्योंकि 10,000 के लेवल पे जो लगती है वो ही 12,000 पे लगेगी, तो 50,000 हो गए। और वेरिएबल जो है वो आपके 2 रुपए पर यूनिट दे रखा है, तो 2 × 12,000 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 24,000। सही है ना, इस बार फॉर्मूला नहीं लगाया क्योंकि पर यूनिट दे रखा था, तो पर यूनिट नो चेंज होता है, यहां तक का टोटल लगा ले, बस इतना ही सवाल है। 2,10,000, 2,10,200, ये आपके आगे प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब देखते हैं पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। नीचे दी गई सूचनाओं में सीताराम राम प्रसाद एंड कंपनी से संबंधित है, अगले वर्ष के लिए विक्रय पूर्वानुमान 77,000 इकाइयां, तो सेल्स दे रखा है। आगे लिखते हैं, एक इकाई के उत्पादन हेतु अपेक्षित कच्चे माल की इकाइयां, तो 3 तरह के मटेरियल लगते हैं, मटेरियल ए 2 यूनिट, मटेरियल बी 3 यूनिट और मटेरियल सी 1 यूनिट, कुल मिला के 6 यूनिट जो है उससे आपका 1 यूनिट बनता है। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर 6 यूनिट से 1 यूनिट कैसे बनता है, तो चाय तो एक कप ही बनती है और मटेरियल उसमें 3 आ जाता है ना, 3 4 जो भी, तो ये रॉ मटेरियल है, 3 रॉ मटेरियल यूज करते हैं तो एक फिनिश गुड्स बनता है, और ये जो सेल्स फोरकास्ट दे रखा है ये फिनिश गुड्स का है। ये ही सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात है इस प्रश्न में, वो ये है कि ये फिनिश गुड्स होता है और ये रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल ज्यादा होते हैं वो मिलकर एक फिनिश गुड्स बनाते हैं। सही है, आगे आने वाले वर्ष से संबंध स्कंद का अनुमानित शेष इस प्रकार से है, एस्टिमेटेड स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री इन द फोर्थ कमिंग ईयर्स, जो आने वाला वर्ष है उसमें स्टॉक इस प्रकार से होंगे, ओपनिंग स्टॉक 1 जनवरी का और 31 दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक, तो ये ओपनिंग स्टॉक है और ये क्लोजिंग स्टॉक है। फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक तो कहता है 7,000 और क्लोजिंग स्टॉक कहता है 10,000। ठीक है, उसके बाद में आगे रॉ मटेरियल में आपके ए बी और सी, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया और ये आपके क्लोजिंग स्टॉक हो गया, तो इसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल ए बी और सी तीनों की क्या रेट का माल आता है वो आ जाएगा। आपको सामग्री बजट, सामग्री लागत बजट तैयार करना है, यानी प्रिपेयर मटेरियल बजट एंड मटेरियल कॉस्ट बजट। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन हुआ, तो चूंकि मैंने इसे कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सबसे पहला काम इसमें करना है, सबसे पहले प्रोडक्शन बजट, सबसे पहले आप ये तय करोगे कि टोटल प्रोडक्शन कितना करना। प्रोडक्शन करने के बाद में नंबर 2 आएगा मटेरियल बजट, मटेरियल रिक्वायरमेंट बोलते हैं, रिक्वायरमेंट बजट, यानी ये यूनिट्स में होगा। और ये आने के बाद में नंबर 3 होता है मटेरियल कॉस्ट बजट। तो एक बजट में 3 बातें इंक्लूड होती है, प्रोडक्शन बजट पहले तो उत्पादन कितना करें, फिर मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट कितना मटेरियल परचेज करें, आप मटेरियल रिक्वायरमेंट बोल दो चाहे मटेरियल परचेज बजट बोल दो,
फिर उसके बाद में मटेरियल कॉस्ट बजट, इस तरीके से आपके ये तीन लेवल में सवाल को सॉल्व करना है। जब आप प्रोडक्शन बजट की बात करोगे तो FG दिमाग में रखना है, जब आप मटेरियल रिक्वायरमेंट की बात करोगे तो RM रॉ मटेरियल ध्यान में रखना है, और ये जब आप करोगे तो जो मटेरियल आएगा उसको रेट से गुणा करना। मेरे हिसाब से आपको सीक्वेंस सारी पता चल गई क्या क्या करना है। पहले प्रोडक्शन बजट फिनिश गुड से, फिर मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट रॉ मटेरियल को ध्यान में रखते हुए, और फिर प्रोडक्शन कॉस्ट बजट रेट को ध्यान में रखते हुए, जो दे रखी ना सबसे लास्ट में कॉस्ट ऑफ मटेरियल 5 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये पर यूनिट, तो ये सबसे लास्ट में आएगी। तो इस तरीके से अपने इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे, देखते हैं सवाल। मेरे बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे, तो प्रोडक्शन बजट बनाएंगे, क्योंकि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन टोटल कितना होगा। तो प्रोडक्शन बजट के लिए आप सबसे पहले आप लिखें सेल्स, तो सेल्स आपके प्रश्न में दे रखा था, सेल्स यूनिट कितना दे रखा था 77,000, एड क्लोजिंग स्टॉक, इसमें जोड़ना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG फिनिश गुड्स, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपके दे रखा है 10,000, तो ये जोड़ देंगे तो आया 87,000। लेस घटाना है क्लोजिंग के बाद में ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG फिनिश गुड्स, वो आपका है 7,000। तो फाइनली आपको प्रोडक्शन कितना करना है 80,000 यूनिट प्रोडक्शन आ गया, और ये यूनिट में आया यहां से 80,000 यूनिट का आपको प्रोडक्शन करना है। तो सबसे पहला हमने क्या बना दिया, प्रोडक्शन बजट बनाया। अब हम बनाएंगे मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट, तो नंबर 2 आप लिखिए, जिसको आप कह सकते हैं मटेरियल बजट। आप इसे मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट भी बोल सकते हैं या मटेरियल बजट भी बोल सकते हैं। एंड शब्द करके और लिख दो कॉस्ट बजट, दोनों साथ में ही कर देंगे। इसमें आपके तीन मटेरियल हैं इसलिए तीन कॉलम बनेंगे। पहला मटेरियल है ए, बी और सी, यहां पे आप लिखे रॉ मटेरियल, यानी ये यहां पे जो प्रश्न होगा वो रॉ मटेरियल में होगा, और यहां पे यूनिट भी मेनली आएगी सवाल में। फॉर्मेट में जो सारी चीजें हमें लेनी है वो हमने ले ली है। सबसे पहले जब आप मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट की बात लेते हो तो आप लोगों को इसमें ऊपरी ऊपर जो आपका प्रोडक्शन है ना वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एक कॉलम और बना दे ऐसा, और यहाँ पे लिखिए प्रोडक्शन यूनिट। तो प्रोडक्शन यूनिट हमने कितना कहा बच्चों, सबसे पहले पहले में ए में 80,000, बी में भी 80,000 और सी में भी 80,000। ये अपनी जानकारी के लिए लिख रहे हैं, आप चाहे तो ये 80,000 ऊपर ही ऊपर लिख के भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रोडक्शन यूनिट हमने लिख लिया है, आप एक लाइन यहाँ पे क्लोज लाइन लगा दो, यानी ये सवाल के हिस्से में नहीं लेंगे। अब आप सवाल में स्टार्ट करो, सबसे पहले आपके हर यूनिट कितना कितना चाहिए। देखो प्रश्न में आगे लिखा हुआ है ए 2 यूनिट चाहिए, बी 3 यूनिट चाहिए और सी 1 यूनिट चाहिए। तो सबसे पहले लिखो प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन एट द रेट 2, 3 और 1 यूनिट, सही लिखा। अब आप इसकी गुणा करवा दो, 80,000 इंटू 2, 1,60,000,
फिर 2,40,000 और 1 रुपए से गुणा कराएंगे तो 80,000। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? आसान है। अब उसके बाद में एड क्लोजिंग स्टॉक, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल में ए का कितना दे रखा है 12,000, फिर इसका 8,000 और 7,000, दोनों जोड़ दो तो टोटल आपको चाहिए होगा 1,72,000, 2,48,000 और 87,000 लेस ओपनिंग जो आपके पास पहले से स्टॉक पड़ा है रॉ मटेरियल का, उसको घटा देंगे ताकि हमें अभी कितना चाहिए वो आ जाएगा। तो वो आपके दिया हुआ कितना कितना है 10,000, 12,000 और 6,000। घटाने पर आपके आएगा जो रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट पहले में 1,62,000, 2,36,000 और 81,000। ये सारा यूनिट्स है, ये याद रखना है। अब यूनिट्स है तो अब इसकी यहां तक हमारा एक पार्ट पूरा हो गया, मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट तो यहां पे पूरा हो गया। अब हमें एंड कॉस्ट बजट और लेना है, तो नीचे आपके लिखो रेट, रेट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, तो वो आपके दे रखा है 5 रुपए, 4 रुपए और 6 रुपए। तो आप इसकी गुणा करवा देंगे तो आपके ये आंसर भी आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू आर इंटू रेट, आर यानी रिक्वायरमेंट इंटू रेट, तो इन दोनों की गुणा करवानी है। कराए कितना होता है 8,10,000, 9,44,000, 4,86,86, ये रुपए में आंसर आएगा, याद रखना रुपीस। ठीक है, आंसर दिए हुए प्यारे बच्चों सारे, बस ये इतना ही सवाल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, अमित लिमिटेड को सामग्री बजट की आवश्यकता है, तो अंडरलाइन करें मेन तो बजट कौन सा है, मटेरियल बजट, जो कि उत्पादन बजट पर आधारित है, जो प्रोडक्शन बजट पे तैयार किया जाता है। ऑब्वियस है सामग्री बजट, मटेरियल बजट हमेशा ही प्रोडक्शन बजट पे बेस होता है, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं है कि प्रोडक्शन कितना करेंगे तो आप मटेरियल कैसे लाओगे, सही है ना। यानी जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि कितने व्यक्तियों का खाना बनाना है तो कितना मटेरियल चाहिए, पॉसिबल ही नहीं। तो ये हमेशा ही उस पर बेस्ड होता है। प्रत्येक उत्पाद तैयार माल के स्टोर्स में स्थानांतरित होने से पूर्व कारखाने के 3 विभागों से संसाधित किया जाता है। प्रत्येक विभाग में प्रयुक्त सामग्री निम्न प्रकार से। अब आपको इसमें जो विभाग का नाम दिया था ना, डिपार्टमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका कोई महत्व है नहीं। ठीक है, महत्व तो ये है मटेरियल ए, मटेरियल बी और मटेरियल सी। अब विभाग इसलिए बोल देता है क्योंकि इस विभाग में आपको मटेरियल ए चाहिए, इस विभाग में मटेरियल बी लगेगा और इस विभाग में मटेरियल बी और मटेरियल सी लगेगा। ठीक है, उत्पाद के निर्माण में सामग्री का उपभोग निम्न प्रकार से है, तो मटेरियल कंजप्शन ये इंपॉर्टेंट होता है। प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई, दो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट एक्स में 1 यूनिट ए का, 2 यूनिट बी के और 2 यूनिट सी के। यानी जो एक्स है उसमें ए बी और सी 3 लगते हैं, जबकि प्रोडक्ट वाई जो है उसमें ए और बी लगता है। क्लियर। अब हमें आंसर जो देना है ना, वो एक्स और वाई में टोटल ए कितना लगता है, एक्स और वाई में टोटल बी कितना लगता है, और एक्स में सी जो है वो केवल किस में लगता है, एक्स में लगता है, तो वो बताना है, चूंकि इसमें है नहीं। तो
इन दोनों का टोटल एक करेंगे तो आंसर आएगा, इन दोनों का टोटल करेंगे तो आंसर आएगा, और ये अकेले में आंसर देगा। तो ये आपका प्रश्न हुआ। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, यानी इसमें केवल अपने को एक ही चीज बनानी है। आगे देखो क्या दिया है प्रश्न। बजट अवधि के लिए इन दोनों उत्पादों का उत्पादन बजट निम्न प्रकार से है। द प्रोडक्शन बजट अपने को पहले से गिवन है, ठीक है। तो गिवन है तो अपने को प्रोडक्शन बजट बनाने की जरूरत नहीं है। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इन यूनिट्स दे रखा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, इनकी अपने को आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन तीनों की टोटल यही होती है। चेक करो, 70, 80 और 80 यही होती है। तो ये तो इसने बताया है, तो अपने को इन तीनों की जरूरत नहीं है ऊपर वालों की, ये नॉट रिक्वायर्ड। अपने तो क्वार्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चार क्वार्टर्स के लिए इसको बनाएंगे। तो चारों क्वार्टर का प्रोडक्शन आपको दिया हुआ है। इस प्रोडक्शन को आपको मटेरियल ए, बी और सी से गुणा करवानी है। ये प्रोडक्ट एक्स का है तो एक्स में ए लगता है एक, बी कितना लगता है दो और सी दो। तो इसको एक बार एक से गुणा करो, एक बार दो से गुणा करो, एक बार दो से गुणा करो, ये एक पार्ट। इसी तरह से वाई जो है उसमें ए और बी लगता है, ए को एक से गुणा करानी है एक, और बी कितना लगता है एक लगता है, तो इसको एक से गुणा करानी, इनके जोड़ करेंगे तो आंसर आते हैं। यानी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होगा बोर्ड पे। और इसमें कुछ पूछा ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आंसर्स दिए हुए हैं वो हम ले लेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है इसकी टेबल का फॉर्मेटिंग। ये सही होगा तो सारे आंसर आपके मैच हो जाएंगे। तो हेडिंग लिखी है मटेरियल बजट इन यूनिट में चलेगा। उसमें आपको मटेरियल बजट में तीन तरह के मटेरियल है तो तीन कॉलम होंगे, मटेरियल ए, मटेरियल बी और मटेरियल सी। मटेरियल ए प्रोडक्ट, ये यहां पे जो दे रखा है वो प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट आपके एक्स और वाई दोनों में लगता है। एक्स के लिए मटेरियल ए जो है वो एक यूनिट लगता है, वाई के लिए मटेरियल ए एक लगता है। तो ब्रैकेट में एक एक लिखती है। मटेरियल बी एक्स के लिए दो लगता है, वाई के लिए एक लगता है, और मटेरियल सी केवल एक्स के लिए ही लगता है, वो दो यूनिट लगता है। इधर क्वार्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ताकि सारे क्वार्टर्स की टोटल आ जाए अपने पास कि कितना मटेरियल टोटली लगना है। अब आप इसमें देखिए, इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या है, एक्स वाई दे रखा है मटेरियल के लिए। आपको जो इसका फॉर्मूला यूज करना है वो ये करना है, पी इंटू एम। पी यानी प्रोडक्शन जो आपको प्रश्न में दिया हुआ है उसको मटेरियल यानी ये जो ब्रैकेट में वन लिखा हुआ है ना उससे गुणा करवानी है। तो सबसे पहले आपके क्वार्टर फर्स्ट में देखे क्या दिया हुआ है, 230,000। तो 230,000 एक्स का प्रोडक्शन है, तो आप क्या करेंगे इसमें 230,000 इंटू एक करेंगे तो 230,000 ही आ जाएगी। फिर उसके बाद में सेकंड क्वार्टर में 240,000, तो 240,000 इंटू एक करेंगे तो 240,000 ही आ जाएगा। फिर 230,000 क्वार्टर थर्ड, और फिर 260,000। एक्चुअली ये दिखने में अपने को लगता है कि वापस प्रोडक्शन लिख दिया, ऐसा नहीं है। इसको गुणा वन से किया तो वापस वही आ गया, हम प्रोडक्शन इंटू मेटीरियल कर रहे हैं। अब इसी तरीके से आपके एक्स फॉर मेटीरियल ए हो गया। अब उसी तरह से आप देखो मटेरियल बी, बोर्ड पे देखिए एक बार, मटेरियल बी एक्स के लिए कितना चाहिए, दो चाहिए, तो इसी से दो की गुणा करा दो तो 460,000। फिर 480,000, फिर 460,000, दो से गुणा कर रहे हैं, और फिर 520,000। और यहां पे फिर वापस डबल है तो इसी को डबल से करेंगे तो 460,000, 480,000, 460,000 और 520,000। ये आपके, मैंने केवल x को फर्स्ट बेस पे ले लिया। अब y का प्रोडक्शन दे रखा है वो लिखते हैं। y में आपके दिया हुआ है 108,000, तो 108,000 इंटू एक किया तो वापस 108,000 ही आएगा। फिर 140 दे रखा है तो 140,000, फिर आपके 127,000, और फिर आपके दिया हुआ है 145,000।
मैंने आपसे कहा कि इस प्रोडक्शन को हमने वन से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो करने के बाद में वापस वही आएगा, इसलिए सेम लिख दिया। यहाँ पे भी वन से मल्टीप्लाई करना है वाई में, तो वापस सेम लिख दो, 1,08,000, 1,40,000, 1,27,000 और 1,45,000। सवाल पूरा हो गया। अब आपको टोटल लगानी है। पहले इस तरह से टोटल लगाओ, कितना होता है, 3,38,000, 3,80,000, 3,57,000, 4,05,000। ये आपका क्वार्टर वाइज टोटल आ गया। इसको कौन सा आंसर बोलेंगे, क्वार्टर वाइज, हर क्वार्टर में कितना कितना रिक्वायरमेंट होगा। अब नीचे का टोटल लगाए, इधर का आएगा 14,00,000, पहले का इसका केवल 9,60,000 और इसका आ जाएगा आपके 5,20,000। तो टोटल आएगा 14,80,000। ये आपके टोटल आंसर आ गया, प्रोडक्ट एक्स वाई और टोटल क्या रिक्वायरमेंट है। क्लियर है बच्चों? अब इसी तरीके से वापस इस तरफ भी टोटल लगाए, 5,68,000, फिर 6,20,000, 5,87,000, 6,65,000। इसका टोटल लगाए कितना होता है, पहले का 19,20,000, 5,20,000 और टोटल 24,40,000। सारे आंसर मैच हो रहे हैं बच्चों? अब उसके बाद में इसका केवल टोटल ही लगाना है, कितना है, हाँ बेटा, 19,20,000। ये आपके सारे आंसर हो गए, प्रोडक्ट वाइज भी हो गए और क्वार्टर वाइज भी हो गए और एनुअल आंसर भी हो गया। इस टेबल को बनाते ही आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देखें इसके सारे आंसर मैच हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।